जनाबे आली, क्या इंसानी मजबूरियों पर मुआशियाती साइंस लागू होती है? ऐसा ना हो कि आप अमीर होने का नुस्खा बनाते रहें और ईमान कमज़ोर हो जाए, या फिर आपका सफ़र पूरा होने का वक्त आ जाए। कीमियागर वो लोग होते हैं जो फटाफट माल बना लेते हैं। एक कीमियागर एक आदमी के पास गया और कहा, अगर तुम चाहो तो हम थोड़े ही अरसे में कीमिया बना लेंगे। उस आदमी के यहाँ शादी थी और मेहमान बैठे थे। उसने कीमियागर से कहा कि ज़रा ठहरो, फिर अपने दोस्तों से कहा कि अपने जेवरात ले आओ। जब जेवरात का ढेर लग गया तो उसने कीमियागर से कहा कि तू तो जब सोना बनाएगा तो बनाएगा, और हमारी कीमिया ये है कि बने बनाए मिल रहे हैं, और इस वक्त सबके पास ये बगैर कीमिया के है और ढेरों ढेर है। तो जो कीमियागरी का राज नहीं जानते, उनके घर में कीमिया बरस रहा है और आप अभी कीमिया बनाने का सोच रहे हैं। दीन की बात यह है कि इसके अंदर आप कबूल करने की तौफीक पैदा करें, अपनी इस्लाह करें और असल कीमिया अंदर से निकालें, जो कि तमन्ना को क्रश करता है, ख़त्म करता है, और इस फार्मूले को छोड़ दें कि किससे क्या बनता है। मुद्दा यह है कि अल्लाह ताला ने आपके हालात के मुताबिक ये नहीं कहना कि अगर मैं आपको ज़्यादा दौलत देता तो फिर आप जवाब दे होते, बल्कि उसने आपकी गरीबी के अंदर ही आपसे सवाल पूछ लेना है। उसने जो सवाल मरने के बाद पूछना है वो आप अपने आप से आज ही पूछ लें, ताकि आपको उसकी पक्की खबर हो जाए। अल्लाह पूछेगा कि तेरा रब कौन है, तो लोग कहेंगे कि पैसा, पालने वाले को रब बोलते हैं ना, और आपको कौन पालता है? अल्लाह पालता है। अगर आपको ये यकीन हो गया कि आपका रब अल्लाह है, और अगर ये यकीन हो जाए तो फिर आप सोचेंगे कि पैसा दफ्तर से लाते हो या कारखाने से लाते हो। तो जिन ज़राए से और जिन मेहनतों के बाद आप पैसा लाते हैं, वो ज़राए और मेहनतें भी अल्लाह की अता हैं, इसलिए वो कहता है कि मैं पालने वाला हूँ। जिन लोगों ने यह दरियाफ्त कर लिया कि पालने वाला हमारा अल्लाह है, तो उन्होंने ये राज समझ लिया। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बनल्लाह सुमस्तकामु, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर कायम हो गए, तो इन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। फरिश्ते उन पर नाजिल होने का मतलब क्या है कि वो आप ही फरिश्ते हैं, यानी कि अब वो किसका अल्लाह है, रब किसका अल्लाह है? जो अमीर होने की तमन्ना को सबसे पहले रोके, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मोमिन कहता है कि अगर आसानियाँ पैदा होती हैं या नहीं होती, तो हमें इसे गर्ज कोई नहीं, क्योंकि जैसी भी ज़िंदगी है हम इसमें अल्लाह का रास्ता बना रहे हैं। अगर कोई कहे कि किसी गरीब की मदद करने की बड़ी ख्वाहिश है और मेरा दिल बड़ा बेताब है, तो उसको चाहिए कि गरीब की मदद करे, उसे कुछ दे दे कि हमारा पड़ोसी बेचारा गरीब है जिसने दीन तर्क कर दिया और जवाब ये रखा कि मैं इस गरीब के गम में दीन से अलग हो गया हूँ, तो वो रद्द हो जाएगा। गरीब का ये गम नकली है। आप गरीबों को अल्लाह के हवाले करो, और अगर खुद गरीब हो तो अल्लाह के हवाले हो जाओ। अमीर कौन है? जिसकी तमन्ना ज़्यादा अमीर होने की ना हो, बस वही अमीर है। जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ना हो और जो ज़्यादा का साइल ना हो। गरीब कौन है? जिसकी हसरत कभी पूरी ना हुई हो, वो गरीब है। गरीब असल में वो इंसान है जिसकी जेब भरी हुई हो और निगाह खाली हो, बस वो इंसान गरीब ही गरीब है। सबसे बेहतर यह है कि जेब खाली हो और नज़र भरी हुई हो। इसलिए आपका ये जवाब अल्लाह के यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। अल्लाह तो पैगम्बरों को गरीबी के साथ पैगम्बरी दे देता है। अगर अल्लाह गरीबी को बुरा समझता तो फिर इनको पैगम्बरी ना देता। और वो पैगम्बर कहते कि इस बादशाह के पास, फिरौन के पास पैसा भी बहुत है और इसके पास बादशाहत भी है, तो ये जो बादशाहत का होना है, मुआशियात का अच्छा होना है, ये सारे का सारा आपके रास्ते का धोखा है। अगर दाता साहब रहमतुल्लाह का उर्स हो और मज़ार पे जाने वाले बादशाह के नायब या गवर्नर चादर चढ़ाने के लिए आ जाएं तो क्या होगा? मुद्दा ये है कि किसी बुजुर्ग के आस्थाने पर जाने वाला उस वक्त बुजुर्ग होगा जब वो उसके रास्ते पर चलने वाला होगा। ये ना हो कि वो वहाँ सोने का पंखा लगा आए। दाता साहब रहमतुल्लाह सोने के पंखे को क्या करेंगे? उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पंखा इस्तेमाल नहीं किया होगा। दरवेश लोग तो दरवेश होते हैं। तो मतलब यह है कि अल्लाह के रास्ते को इस दुनियावी अंदाज का मत सोचो, वो और रास्ता है और अंदाज है। इस रास्ते पर चलने वाले इसी राह के मुसाफिर होते हैं। अब आप ये देखें कि अल्लाह की राह पर चलने वाले इस रास्ते पर क्या कभी कोई गरीब चला? ज़रूर चला, बल्कि सब जगह पर चला। आप ये देखें कि क्या कोई फाके वाला अल्लाह वाला हुआ? ज़रूर हुआ। क्या कभी बीमारी में अल्लाह का कुर्ब मिला? ज़रूर मिला। क्या कभी ऐसे लोग हुए जो बड़े अयालदार थे और अल्लाह वाले हुए?
हुए। क्या ऐसे लोग थे जो बड़े सख्त बीमार थे और अल्लाह वाले हुए? ज़रूर हुए। क्या ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े बादशाह थे और अल्लाह वाले हुए? ज़रूर हुए। क्या मालदार लोग भी कभी अल्लाह वाले हुए? ज़रूर हुए। तो ना गरीबी अल्लाह की राह में रुकावट है और ना अमीरी अल्लाह के कुर्ब की ज़मानत। अब आप लोग दुआ करें कि अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता फरमाए। आमीन बी रहमत का यार हमर राहिमीन।